हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने उस वीडियो का एंड किया और उसके बाद मैं लेट गई थी आकर के, और 1 घंटा मैंने आराम किया है। मैं 1 बजे लेटी थी और अब टाइम हो रहा है 2 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए और कम्बल को बोल दिया जाए बाय बाय, क्योंकि मैं कम्बल में लेटी हुई हूँ। और तो सोच रही हूँ पहले कुछ काम कर लूँ, और मैंने उस वीडियो का एंड करने के बाद और आज से ही फिर ये दूसरी वीडियो शुरू कर दी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले काम करती हूँ। काम क्या करूँगी? पहले करूँगी मैं साग साफ, क्योंकि कल सब्जी वाले भैया आए थे, वो मेथी थी उनके पास, मेथी दे गए थे, लेकिन उनके पास पालक नहीं था। तो पालक और बथुआ अनुष्का के पापा जी लेकर आए हैं, जब ये ट्रैक्टर को सही कराने गए थे तभी ले आए थे। तो मैं उसको साफ़ करती हूँ। मेथी मैंने कल ही साफ़ कर दी थी, तो उसको भी साफ़ करने में टाइम लगेगा। तो सोच रही हूँ उसको साफ़ करूँगा। और लाइट भी आ गई है, लाइट आ गई है, तो मैं अनुष्का के पापा जी के लिए लगाऊंगी पानी, क्योंकि वो भी नहाए नहीं है, तो वो नहा लेंगे। पता नहीं किधर चले गए हैं, अभी तो यहीं पर थे। तो इस काम को करूँगी, तो चलिए चलते हैं, करते हैं काम। अगर और बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए चलते हैं अब अपने काम की तरफ। साग को मैंने साफ कर लिया है और कट भी कर लिया है, और मैं यहाँ पर साग को धोऊंगी कम से कम 6-7 बार साग को धोऊंगी, जब तक मुझे गंदा सा लगे तब तक धो लूँगी। और इस टोकरी में इसको निकाल लूँगी इसके पानी को, ताकि नीचे साग मतलब ये पत्ते वगैरह ये ना जाए नीचे। तो मैं इसको अच्छे से करती हूँ साफ, और फिर इसको बनने के लिए साग मेरा कट गया है और मैंने धोकर भी तैयार कर दिया है। मैं यहाँ पर गैस पर कुकर चढ़ा दिया है, पानी रख दिया है इसमें, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें साग डालूँगी। और ये रखा हुआ है दूध जो मैंने कढ़ाई में गर्म किया था, फिर वापस से मैंने पतीली में कर दिया है, क्योंकि कढ़ाई में तो ऐसे रह नहीं सकता था, इतना बड़ा बर्तन भी नहीं था जो उसको ढक देती, और फिर भी मुझे शाम को पलटना पड़ता, तो इसलिए मैंने पहले ही ये काम ख़त्म कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर रखूँगी घी मेरा, मुझे आज घी भी गर्म करना है, तो इसको मैं गैस पर रखे देती हूँ। और अभी उधर मेरा सामान फैला हुआ है, उधर मैंने बैठकर साग काटा था वहाँ पर, और उधर अभी बथुआ भी मेरा रखा हुआ है, अभी मैं उसे देखूँगी, या तो अब साफ करूँगी या फिर रात को करूँगी बैठकर साग, जैसा ही भी टाइम मिलेगा ऐसा काम कर लूँगी। तो इस गैस इसको इस पर रख के देती हूँ, ये भी हो जाएगा मेरा गर्म और इधर मेरा साग भी बन जाएगा। तो साग मैंने इधर धोकर रख लिया है, इसका पानी अच्छे से निचड़ जाएगा और ये सिंक में जाता रहेगा, इसलिए मैंने सिंक के पास ही ये रख दिया है। एक चमचा ले लेती हूँ छोटा वाला, तो इसे इसमें, अभी तो ये टाइट है, बहुत ज़्यादा चला दिया करूँगी इसमें बीच बीच में इसे, जिससे कि ऊपर को फन के आता है तो चला देते हैं तो फिर नीचे बैठ जाता है, इसलिए।
तो पानी हो गया है गरम और साग को डालती हूँ अब मैं कुकर में। साग डालने के बाद मैंने ऐसे ही खुला कुकर छोड़ दिया था, ढक्कन नहीं लगाया था अभी, क्योंकि थोड़ा सा ये नीचे को बैठ जाता, थोड़ा सा हो जाता है ये ऐसे नीचे को हो गया है, थोड़ा बैठ सा गया है साग, तो मैं इसमें नमक डाल दूँगी। तो ये यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। साग को ना थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा चाहता है, क्योंकि साग ऐसा तो है नहीं कि आप ने जैसे कि दाल है, दाल रखी और तेज कर दी गैस और सीटी लगा दी, नहीं ऐसे नहीं बनता है साग। साग को थोड़ा टाइम चाहता है और आप इसको धीमे गैस करके और आराम आराम से पकाओ तो बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने नमक भी डाल दिया है और अब इसका कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन मैंने लगा दिया है और गैस को कर देती हूँ स्लो। अब ये आराम से बनता रहेगा, ज़्यादा स्लो नहीं, थोड़ा हल्का सा मीडियम कर दिया है मैंने। और इसको भी एक बार चलाती हूँ, ये भी थोड़ा सा हो गया है। अब जा रही हूँ मैं रूम में बर्तन धोना, साबुन हो गया है मेरा ख़त्म, तो मैं उसको निकालती हूँ, रखा हुआ है मेरे पास इधर। और मैंने टिक्की निकाल ली है और ये छोटी टिक्की लेके आए थे, पहले जो सामान लेके आए थे तो ये छोटी टिक्की लेके आए थे ये वाली, और अब के सामान आया है तो मैंने बड़ी वाली टिक्की मंगाई है, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी निकालनी पड़ती है, रोज़ रोज़ फिर कोई निकालते रहो। तो साग वगैरह तो मेरा सब कुछ रख गया है और मैं जा रही हूँ पहले उधर से कपड़े लेकर के आती हूँ और फिर कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाती हूँ। तो अभी मैं पानी डालूँगी मशीन में, अभी उस अनुष्का के पापा नहा रहे हैं, पापा जी उसमें बाथरूम में, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि पहले इतने कपड़े ले आती हूँ, कपड़े भी मेरे सुबह के सूख रहे हैं उधर और मैं ले करके नहीं आई हूँ, मैं जा रही हूँ बाहर। देखिए मेरे एक दो कपड़े नीचे भी गिर गए हैं उड़ के, आज मैंने चिमटी नहीं लगाई थी, मैं भूल गई थी लगाना। तो चाय हमने पी ली है, शाम वाली चाय पी ली है और झाड़ू भी लगा दी है मैंने और बर्तन भी साफ कर दिए हैं, ये सारे काम मेरे हो गए हैं, बस कपड़ों की तय करनी है जो मैं अभी उधर से लेकर के आई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले सॉक्स पहन लूँ, भी हो रही है क्योंकि फिर ठंड लग जाएगी, पैरों में ठंड लग रही है। और अनुष्का भी स्कूल से नहीं आई है, 4 बज गए हैं अभी नहीं आई है वो स्कूल से, वो थोड़ा लेट ही आती है। तो चलिए पहले मैं सॉक्स पहनती हूँ और आपसे मिलती हूँ अभी। और मैं ले जा रही हूँ, ये देखिए फेविकिक मुझसे हो गई है एक बहुत बड़ी गलती, जिसकी वजह से अनुष्का इतना रोई कि अनुष्का चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मैं दिखाती हूँ वो गलती मुझसे क्या हुई थी, ये वाली रिंग थी अनुष्का की और उसमें ये वाला, ये अभी आपको दिखाती हूँ, ये वाला गिर गया, ये वाला नग लगा हुआ था उसमें ये वाला। और उस दिन वो क्या करती है कि खेलती है तो वो अपनी ये रिंग वगैरह पहन लेती है, डांस करती है तो कर लेती है, तो वो उधर दूसरी साइड रख गई थी और मैं इसको उठा कर के ला रही थी और ये मेरे हाथ से छूट गई, और जैसे ही ये मेरे हाथ से गिरी तो इसका तुरंत नग छूट गया। और मैंने अनुष्का को नहीं बताया और जब उसको पता चला तो बहुत रोई और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो आज मैंने फिर उसके पापा जी से फेविकिक मंगाई, मैं सोच रही हूँ इसको चिपका देती हूँ, अगर चिपक जाए तो देखती हूँ, चिपक जाएगा तो अच्छी बात है वरना फिर दूसरी दिलाएंगे उसको। तो ये देखिए मैंने अनुष्का की अंगूठी अच्छे से नक को अच्छे से चिपका दिया है और ये
अब फिलहाल के लिए तो सही हो गई है, पता नहीं कितने दिन चलेगी, वैसे हो गई है सही अच्छे से। और अनुष्का को ना बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, चाहे वो उसके कपड़े हैं, चाहे वो उसकी बुक हैं, चाहे वो उसकी ऐसी कोई सामान है, कुछ भी जैसे उसके पास रहता है थोड़ा बहुत, उसको अपने सामान से बहुत ज़्यादा प्यार है। ना वो किसी को कपड़े छोटे हो जाए और मैं बोलूँ मैंने कहा बेटा इनको किसी को दे देते कोई पहन लेगा, तो ना तो वो कपड़े देने देती है, अगर छुपके से मैं दे देती हूँ तो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा डांटती है, लड़ती है मुझसे। और ना ही वो अपनी बुकों को किसी को देने देती है, जैसे कि रद्दी में बेच देते हैं, नहीं वो बेचने भी नहीं देती है उनको, और ना ही वो ऐसे ही सामान को, बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने हर चीज़ को रखती है। और अच्छी बात है, बच्चे को ऐसी आदत होनी चाहिए, जो कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपने सामान से। तो चलो ये काम तो मेरा हो गया, इसको तो रखे देते हैं यहाँ पर। मैंने सारे कपड़ों की कर ली है तय, और ये मैंने छांट लिए हैं सारे कपड़े, इधर अनुष्का के हैं ये सारे कपड़े अनुष्का के हैं, और ये मेरे हैं, और ये छोटे छोटे कपड़े हैं सॉक्स हैंग की ऐसे, और ये अनुष्का के पापा जी के हैं। तो ये मैंने चादर और उनका कैप तो अलग हटा लिया है, क्योंकि वो ओढ़ेंगे, अभी वो कहीं गए हैं तो आ करके वो इनको ओढ़ेंगे, और हम इनको एक साइड में लगा दूंगी, एक साइड में अनुष्का के पापा के, एक में अपने, एक में अनुष्का के, ऐसे ही लगाती हूँ मैं, तो उससे कपड़े ढूंढने में आसानी रहती है। अपने अपने कपड़े सब ले लेते हैं, और ये छोटे छोटे कपड़े मैं रखती हूँ इसमें, ये एक टोकरी है छोटी सी हमारे पास, ये इसमें रख लेते हैं। और इसकी भी हालत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, अनुष्का क्या करती है कि अपने सॉक्स वगैरह निकालती है ना, तो वो सारे को ही उलट पुलट कर देती है। तो कल मैं इसको देखूँगी, टाइम लगेगा तो इसको भी अच्छे से सेट करूँगी, और अब पहले कपड़ों को रख लेती हूँ। ये देखिए मेरा घी कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, बहुत अच्छे से बन गया है, और ये मेरा साग भी बन गया है इधर, और इधर मैंने रख दी है कढ़ाई गैस पर, गैस चला दी है। और अब मैं यहाँ पर ये मैंने आटा छान लिया है अपना मक्के का, जिससे मैं आलन लगाऊंगी इसमें साग में, और लहसुन भी काट के रख लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में घी, क्योंकि कढ़ाई हो गई है गर्म, और मैं देसी घी में ही तड़का लगाती हूँ साग में, तो मैंने इसमें डाल दिया है घी तड़का लगाने के लिए। और ये हो गया है गरम, इसमें डाल दिया है लहसुन, और अब मैं लहसुन को अच्छे से पका लूँगी, इसको चला रही हूँ मैं ताकि चिपक ना जाए नीचे, वैसे चिपकेगा क्यों, क्योंकि इसमें तो घी डाल दिया है, फिर भी एक कहीं से जल जाएगा, कहीं से कच्चा रह जाएगा इसलिए। और अब मैंने छोंक रही हूँ यहाँ पर साग, मैंने छोंक दिया है ये साग, और अब इसको चलाऊँगी। ये देखिए कितने अच्छे से बनकर हो जाएगा ये तैयार, ये देखिए, और ये खदक गया है। अब मैं इसमें मिर्च वगैरह सब कुछ डाल दी है मैंने, और ये देखिए मेरे बर्तन कितने सारे बर्तन हो गए हैं। अभी अभी मैं ही शाम में वो गाजर का हलवा ख़त्म हो गया था, वो भगोना खिला लिया है, ये कुकर है, उधर चाय का भगोना है, इधर ये भी खाली हो जाएगा ये घी का, इसको छान लूँगी, और उधर मेरी पतीली भी खाली होगी दूध की, तो ये सारे बर्तन खाली हो जाएंगे। और अब मैं यहाँ पर डिब्बे में घी छान रही हूँ ये वाला, इसको मैं छान करके और रख दूँगी, जैसे कि रख लेते हैं एक्स्ट्रा जो होता है उसको भर के रख लेते हैं डब्बे में। तो ये देखिए कितने अच्छे से घी बनकर हो गया है तैयार, इस सारे को मैं इसमें ही छान लूँगी। और खाने के लिए दूसरा वाला डिब्बा है जिसमें से मैं निकाल रही थी, पहले देखा था आपने, उसमें से ले लूँगी खाने के लिए, और इसको रख दूँगी भर करके। तो ये मैंने छान दिया है, डब्बे को कर रही हूँ मैं बंद यहाँ पर, और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, सब तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।